तो जिस प्रकार से कश्मीर में घुसे आतंकी हिंदू धर्म स्थलों के साथ पूजा कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर इसी हफ्ते 3 बार हमला हुई, उसे तो भारत कभी भूल नहीं सकता है। कश्मीर में आतंकियों ने जिस प्रकार से कोहराम मचाया है, उसे देखकर अब यही लगता है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म और धर्म स्थलों को टारगेट करने में जुटे हैं। अभी से कुछ दिन बाद ही अमरनाथ की तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में इन आतंकियों को रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। दरअसल इसी मुद्दे से निपटने के लिए और पाकिस्तान की इस बार असली औकात दिखाने के लिए भारत ने अपने दोस्त रूस का साथ मांगा है। अब भारत के पास एक ऐसा हथियार आ रहा है जो पाकिस्तान की सरजमी को निष्ठानाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि घने घने जंगलों में इन आतंकवादियों को ढूंढना हमारे भारतीय सेना से मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आतंकवादी छुप के हमारे सेनाओं पर हमला कर दे रहे हैं और हम अपनी सैनिकों को खो दे रहे हैं। पाकिस्तान की आतंकियों को 72 हुरों की दर्शन कराने के लिए भारत रूस से एक ऐसा हथियार मंगा रहा है जिसकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करने से यह वीडियो हर भारतवासियों के पास पहुंच जाएगी और यह जानकारी सबको होगी। दरअसल पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ने के लिए हमारे भारत के सुरक्षा बल हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत पाकिस्तान से लड़ने के लिए अपने मित्र देश रूस से मंगा रहा है सुखोई Su-57 प्लेन। यह रूस की 5th जनरेशन वाला पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसकी मदद से भारत पाकिस्तान पर भारी तबाही मचा सकता है, इसलिए इसकी डील भारत के लिए रणनीतिक फायदेमंद माना जा रहा है। दरअसल कश्मीर के हमले के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है और वह पाकिस्तान से निपटने के लिए करीब 71 Su-57 का ऑर्डर दिया है। भारत इस फाइटर जेट को इसलिए मंगा रहा है क्योंकि यह बहुत ही खास है और दुश्मनों पर घात लगाए हमला करने वाला प्लेन है। Su-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है और इसकी अधिकतम गति 3135 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि कश्मीर की घाटियों में यह फाइटर जेट इतनी तेजी से वार कर सकता है जिसके वार को उंगलियों पर गिनना नामुमकिन हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि यह सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेजी गति से हमला करने में सक्षम है। बता दे कि इस भारत का ब्रह्मास्त्र कहां जा रहा है, क्योंकि यह Su-57 ऑटो कैनन गन से लैस होता है और हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकता है। ये कश्मीरी घाटियों के लिए इसलिए खतरनाक होगी क्योंकि इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M और R-37 मिसाइलें लगी होती हैं। इसके अलावा गाइडेड क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जाएंगे। अब हम यह साफ साफ कह सकते हैं कि यह हथियार पाते ही भारत इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। जय श्री राम।